मेरा नाम है पारुल और स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉयल कुकर्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी। भाई हमारे यहाँ तो ना लिटरली इस सब्जी की बहुत ज़्यादा मांग है। ये है मलाई कोफ्ता और रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी ना ये चार चांद लगा देती है। मतलब लिटरली मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मांग वाली सब्जी है, कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। लाइक शाही सब्जी की तरह है, शाही पनीर के बाद यही है जो मुझे मस्त लगती है एक्चुअली खाने में। आप मुझे बताना आपको क्या पसंद है। अब उसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ बॉइल पोटैटोस, 3 से 4 यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। आप आलू लीजिए और उनको उबाल लीजिए अच्छे से उबालने। और फिर उसको मैंने क्या किया है, कद्दूकस कर दिया है। यहाँ पर हम कोफ्ते जो बनाएंगे वो आलू और पनीर के बनाएंगे, पर मुझे लगता है कि आप मलाई कोफ्ते के लिए ज़रूरी नहीं है कि आलू और पनीर ही लें। भाई आप कोफ्ते किसी भी चीज़ के बना सकते हैं जिस सब्जी के आपको पसंद है। मैंने लौकी के भी बनाए हैं, मैं उसकी वीडियो भी जल्दी यहाँ पर डालूंगी। तो ये देखिए हमने जो आलू हैं वो अच्छे से कद्दूकस कर लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पनीर लिया है, ये मैंने खुद से ही जमाया था, बहुत ही सॉफ्ट पनीर था। आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कड़क पनीर होता है। अब यहाँ पर मैंने डाला है 2 से 2.5 चम्मच मैदा। कॉर्नफ्लोर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और दोनों का मिक्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं, नमक, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और काली मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही आराम से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज पनीर और आलू दोनों ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो अच्छे से डो बन जाएगा। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेकर के आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए, जिस प्रकार की भी आप खाना चाहते हैं, मीन्स छोटी और बड़ी, वो आपकी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग है जो आप खाना पसंद करें। जैसे तो मैंने इस साइज़ की बना ली है और सारी बॉल्स मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर ली हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं होती है। तो साइड बाय साइड मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मैदा और ले ली है, आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं। मैंने मैदा का यूज़ करा है। अब मैंने सूखी मैदा इस पर लगाई है, आप चाहें तो यहाँ पर स्लरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए लगाई है ताकि ये जाकर के तेल में फटे ना, और ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है कि तेल में फटेंगी नहीं। तो इस तरीके से मैंने इन पर एक और लेयर कोट कर दी है, बिकॉज पनीर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर अगर स्लरी लगाना चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके ना इसकी स्लरी भी बना सकते हैं, तब वो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से, अब जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर मैदा, कॉर्नफ्लावर या थोड़ा सा बेसन का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। ये देखिए तो मैं इसी तरीके से अपनी जितनी भी बॉल्स हैं उनको कोट कर लूँगी, बहुत ही आराम से हो जाएगा। ये देखिए जितने मैं ये कोट कर रही हूँ, आप जा कर के जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज़ मैं लाती रहूँ और आप तक नोटिफिकेशंस पहुँचती रहें। ये देखिए इसी प्रकार हम अपने सारे बना लेंगे। तो साइड बाय साइड मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी थी, फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई है, हम यहाँ पर जो फ्लेम है अपनी लो नहीं करेंगे, और जो अपने ये हमने बॉल्स बनाई है उनको अच्छे से हम गोल्डन होने तक पका लेंगे। बहुत ही आराम से आपको सारा काम करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हम इनको पका लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये बोल्स किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, जिस भी सब्जी की आप चाहें। मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जी के जो कोफ्ते हैं वो लेकर आऊँगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर और जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सारी वीडियो जाकर के देखना और लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। ये देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं वो गोल्डन ब्राउन बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इन्हें अच्छे से प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी जो बनकर के हमारी बॉल्स हो गई हैं वो तैयार हो गई हैं। आप इन्हें ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं और ग्रेवी में तो वाह भाई वाह, ये मज़ा दुगना ही कर देंगे। तो हमारी सारी बॉल्स बन करके तैयार हो गई है। अब चलते हैं, फिर से पैन लिया है मैंने, अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर ग्रेवी। तो मैं वही मखनी ग्रेवी यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले ऑयल लिया है, अब लिया है इसमें ज़ीरा दाना, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाले हैं अदरक के टुकड़े, बिकॉज मैं बाद में ग्राइंड करूँगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ कट कर सकते हैं, बारीक चॉप करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी प्याज,
तो ये भी मैंने बड़ी बड़ी चॉप कर दी हैं। इनको भी अच्छे से ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज डाली हैं बड़ी बड़ी। आप जितनी भी आप सब्जी बना रहे हो उस अकॉर्डिंग आप टमाटर और प्याज की क्वांटिटी ले सकते हैं। जितनी आपने बॉल्स बनाई है उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी है वो जाएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं, मेरे पास आई थिंक 10 के करीब बॉल्स बनी है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 प्याज ली हैं और 3 टमाटर लिए हैं। तो प्याज को भी बहुत ही अच्छे से हमें सौते करना है, ब्राउन होने तक हमें ये भून लेना है। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है वो अच्छे से भुन गई है। अब मैं यहाँ पर थोड़े से अपने मसाले डालूंगी। तो उसमें मैंने डाले हैं नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा खटाई के लिए मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर यूज़ करा है, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मसाले के साथ भून लीजिए, ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी अपने टमाटर, मैंने 3 टमाटर यहाँ पर यूज़ करे हैं, और थोड़े से मैं यहाँ पर डालूंगी काजू। मखनी ग्रेवी में काजू इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, क्रीमी फ्लेवर आता है ग्रेवी में। एक्चुअली काजू वाली ग्रेवी को ही हम मखनी ग्रेवी कहते हैं, तो काजू थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। तो इनको भी अच्छे से मैं पका लूँगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी डालूँगी तब पकाऊँगी। अब इसे ढक करके 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी। ये देखिए अब इसे थोड़ा सा चला चला के देख लेते हैं, बीच बीच में आपको थोड़ा सा स्टिर भी कर लेना है। ये देखिए ये हमारी लगभग पक चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, गैस को ऑफ कर दूंगी, फ्लेम को इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, फाइन मुझे इसे ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर ली है, 2 से 3 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा, तब आप इसे ग्राइंड कर लेना। तो अब वापस से मैंने वही पैन लिया है, ग्राइंड भी मैंने अपना जो मिक्सर है वो कर लिया है, और यहाँ पर अपना सारा मिक्सर जो है, सारी जो अपनी सॉस है वो यहाँ पर डाल दी है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाऊंगी, जब तक कि इसमें तेल जो है वो निकल नहीं जाता है। हालांकि मैंने इसे पहले बहुत ही अच्छे से पका लिया था, तो यहाँ पर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर डाली है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च का पाउडर, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप भी डालें। और लाल मिर्च से ऑब्वियसली कलर बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी, और 1 से 2 मिनट ही मुझे यहाँ पर पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। पकने के बाद अब मैं यहाँ पर डालूंगी फ्रेश क्रीम, आप बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ्रेश यहाँ पर ली है। अब इसको भी अच्छे से मिला करके पका लेना है 1 से 2 मिनट। भाई अच्छी सब्जी है तो थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पर लगता है, लेकिन जब खाते हैं ना वाह वाह, अपनी जो मेहनत है ना वो याद आ जाती है, और मेहनत वाकई सफल होगी। आप एक बार ज़रूर बना कर देखना, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा सफल हुई, मुझे बहुत टेस्टी लगी। मैंने पहली बार हालाँकि मलाई कोफ्ता बनाया, वो भी आलू पनीर का, तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, रेस्टोरेंट जैसा ही लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप एक बार ज़रूर बना करके देखें। और भाई मखनी सॉस तो ऐसी है ना, जिस भी सब्जी में अगर हम मखनी सॉस डाल देते हैं या मखनी सॉस से वो सब्जी बनाते हैं, तो उससे तो ना मज़ा एकदम ही दुगना हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डलती हैं यार। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाला है, कंसिस्टेंसी आपके अकॉर्डिंग है, आप जितना पतला खाना चाहते हैं आप उतना पतला कर सकते हैं, जितना गाढ़ा आप ग्रेवी खाना चाहते हैं उतनी गाढ़ी आप रख सकते हैं। तो अब मैं जब बोल्स डालूंगी तो ऐसा है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पतला रखूंगी, फिर 1 से 2 मिनट में पकाऊंगी बोल्स डाल करके, तो वो मेंटेन हो जाएगी। तो आप भी उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पानी है वो डालिए, ठीक। तो ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे से पक रही है, और पक भी चुकी है। तो अब यहाँ पर बॉल्स डालने की बारी आ गई है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी बॉल्स डाल दूंगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बॉल्स बनी है लिटरली हमारी, और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है ना, वाओ, लिटरली खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगी थी। मैं सच में रिकमेंड करूंगी कि आपको एक बार ज़रूर बना के देखना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो ना बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है ये, और वाकई वो टेस्ट भी नहीं आता जो घर के सामान में आता है ना, मुझे बाहर नहीं आता है। तो मैं तो हर चीज़ घर पर ही बनाती हूँ, रेसिपी देख लेती हूँ, ये रेसिपी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देती हूँ। भाई हम अपने अकॉर्डिंग मसाले चेंज कर सकते हैं, तो घर पर ये ज़्यादा बेनिफिट होता है हमें। तो ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, हमारी जो मलाई कोफ्ता है वो बन करके तैयार हो गया है, ऊपर धनिया से गार्निश कर देंगे, और वाह वाह वाह, रोटी पराठे के साथ ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। तो इसको इंजॉय करो, मैं 100% रिकमेंड करूंगी कि आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखना, और मुझे कमेंट करना कि आपका जो मलाई कोफ्ता है वो कैसा बना। तो
और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हमारे चैनल रॉयल कुकर्स को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, बाय, एंजॉय करो और हमें बताओ कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ की चाहिए। बाय बाय एंड स्टे सेफ।